हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल श्री गणपति प्रॉपर्टी। मैं हूं आपकी दोस्त रोज छवि चौधरी। दोस्तों, आज जो हम प्रॉपर्टी देखने आए हैं, हमारी 3 BHK प्रॉपर्टी है। ये 3 BHK फ्लैट होगा इसमें, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें आपको लिफ्ट की भी फैसिलिटी मिलेगी और आपको कार पार्किंग की भी मिलेगी। और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वसुंधरा में है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा फ्लैट। तो दोस्तों, ये हमारा फ्लैट आ जाता है। उससे पहले अगर मैं बात करूं मेन डोर की, तो आप देख सकते हैं कि डोर की काफ़ी अच्छी हाइट है। और उसी के साथ अगर मैं इसके लॉक की भी बात करूं, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं लिविंग एरिया के साइज़ की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेस हमारे लिविंग एरिया में दिया गया है। ईज़िली आप अपना यहाँ पर सोफ़ा सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जो ये वाली वॉल देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एसी की फिटिंग मिलेगी, साथ ही आपको वॉल पेपर भी लगा के दिया जाएगा। अभी हमारे फ्लैट में फिनिशिंग वर्क इनकम्प्लीट है। आप जब भी फ्लैट परचेज करते हैं, तो जो फिनिशिंग वर्क है वो आपको प्रॉपर कम्प्लीट करके दिया जाएगा। उसके बाद अगर फॉल सीलिंग की बात करते हैं, तो देखिए आप, इसके बाद दोस्तों थोड़ा हम इधर आ जाते हैं हमारे लिविंग एरिया में। तो आप देख सकते हैं, ये आपकी टीवी यूनिट यहाँ पर दी गई है। और अगर मैं टीवी यूनिट की बात करूँ, तो आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर टीवी यूनिट है। आप अपना यहाँ पर LED इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अलावा डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी स्पेस है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी फिनिशिंग वर्क हमारा इनकम्प्लीट है। इसी के साथ दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट बेडरूम। और दोस्तों, अगर मैं फर्स्ट बेडरूम के स्पेस की बात करूं, तो ये सारा आपका फर्स्ट बेडरूम का स्पेस होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं, तो आप देखिए फॉल सीलिंग में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है। लाइट्स आपको लग के मिलेगी, फैन आपको दिया जाएगा इसमें। साथ ही दोस्तों, ये आपकी यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो आ जाती है, वो वेंटिलेशन, आपके रूम में वेंटिलेशन बना रहे, यहाँ पर ये विंडो दी गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम फर्स्ट बेडरूम से एग्जिट करते हैं, वापस आ जाते हैं हमारे लिविंग एरिया में। तो अगर हम इधर देखते हैं दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो कि हमारे लिविंग एरिया से अटैच है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वॉशरूम में जो टाइल्स का काम किया गया है, सीलिंग हाइट तक टाइल्स का काम है। प्रॉपर बाथ फिटिंग की गई है, काफी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर बाथ फिटिंग की गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर भी एक बड़ी सी विंडो दी गई है फॉर वेंटिलेशन। तो दोस्तों, इसके बाद हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, तो ये हमारी यहाँ पर किचन आ जाती है। और अगर मैं किचन की बात करूँ, किचन के स्पेस की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपको किचन में चिमनी लगकर मिलेगी, ऊपर आपको यहाँ पर लैंप और फैन भी लगा के दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर मैं अब कैबिनेट की बात करूँ, तो ये हमारी किचन के यहाँ पर कैबिनेट होंगे और ये उनका स्पेस होगा, ये देखिए आप। और इसी के साथ दोस्तों, आपको किचन में नीचे भी यहाँ पर कैबिनेट दिए गए हैं, काफ़ी सारे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, नीचे भी कैबिनेट्स हैं और किचन एसेसरीज आप रख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े कैबिनेट दिए गए हैं। और दोस्तों, ये यहाँ पर विंडो दी गई है आपके किचन में फॉर वेंटिलेशन। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपका सिंक होगी। अभी थोड़ा काम हमारा इनकम्प्लीट है। और थोड़ा सा इधर घूम जाते हैं दोस्तों, तो ये स्पेस आ जाता है, यहाँ पर आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। ये हमारा यहाँ पर सेकंड बेडरूम आ जाता है।
और दोस्तों अगर मैं सेकंड बेडरूम के स्पेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सेकंड बेडरूम में भी काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। साथ ही दोस्तों आपको इस दीवार पे यहाँ पर वॉलपेपर लगा के दिया जाएगा। और अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करती हूँ तो आप देखिए काफी अच्छा काम किया गया है फॉल सीलिंग में। और बिल्कुल अगर हम सामने देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये आपकी अलमीरा आ गई, ये यहाँ पर आपको अलमीरा दी जाएंगी। और अगर स्पेस की बात करूँ तो ये अलमीरा का यहाँ पर स्पेस होगा, सीलिंग हाइट तक अलमीरा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपके एक विंडो दी गई है आपके सेकंड बेडरूम में, ताकि रूम में वेंटिलेशन और लाइट बनी रहे। तो दोस्तों विंडो के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड बेडरूम से अटैच यहाँ पर बेल्कनी दी गई है। और अगर दोस्तों मैं बेल्कनी की बात करूँ तो ये हमारी बेल्कनी का यहाँ पर स्पेस होगा। साथ ही दोस्तों अभी यहाँ पर रेलिंग का काम भी इनकम्प्लीट है। और अगर दोस्तों मैं यहाँ से व्यू की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो आपका फ्लैट है रोड फेसिंग फ्लैट होगा। दोस्तों सेकंड बेडरूम से एग्जिट करते हैं और चलते हैं हमारे लास्ट बेडरूम में, थर्ड बेडरूम में। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड बेडरूम। और अगर मैं थर्ड बेडरूम के स्पेस की भी बात करूं तो आप देख सकते हैं थर्ड बेडरूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। साथ ही दोस्तों अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करती हूँ तो फॉल सीलिंग में भी काम किया गया है और इसमें भी आपको लाइट्स लग के मिलेगी, फैन आपको दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर हम थोड़ा इधर घूम जाते हैं तो ये आपकी यहाँ पर अलमीरा आ जाती है विद स्लाइडिंग डोर आपके थर्ड बेडरूम में। और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ये आपके अलमीरा का यहाँ पर स्पेस होगा। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा इधर आ जाते हैं तो ये हमारा यहाँ पर अटैच वॉशरूम आ जाता है हमारे थर्ड बेडरूम से। और अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सीलिंग हाइट तक टाइल्स का काम मिलेगा आपको वॉशरूम में, और काफ़ी खूबसूरत टाइल्स का यहां पर यूज़ किया गया है। और अगर मैं बाथ फिटिंग की बात करूं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहां पर बाथ फिटिंग की गई है। वॉशरूम के बाद दोस्तों इधर आ जाते हैं तो आपके थर्ड बेडरूम से अटैच भी यहाँ पर बेल्कनी दी गई है। ये जो बेल्कनी है ये आपके सेकंड और थर्ड बेडरूम दोनों से अटैच बेल्कनी होगी। नगर मेट्रो स्टेशन है, वैशाली मेट्रो स्टेशन है, ये आपके यहाँ से काफ़ी नज़दीक होंगे। साथ ही ये हमारी काफ़ी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे पार्क हैं, पास में स्कूल्स हैं काफ़ी अच्छे, और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपके यहाँ पर लोकल मार्केट भी है, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है श्री गणपति प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।